Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning, student. We have discussed the second chapter of the Moral Science class 8th. The thought, a gentle person is always adored and admired. There is nothing stronger in the world than gentleness. Be considerate and compassionate. Don't be harsh. You will achieve through gentleness that which you cannot achieve through harshness. एक जेंटल पर्सन प्रशंसा के योग्य होता है हमेशा. देर इज नथिंग स्ट्रॉन्गर, दुनिया में कोई भी मजबूत नहीं है जेंटलनेस के अलावा. बी कंसिडरेट, कंपेंसनेट, डोंट बी हार्स, यू विल अचीव, आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप इस तरीके से रहेंगे. द स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज रिनोन्ड हर्मिट. एक बार एक समय की बात है कि एक हर्मिट यानी कि महात्मा चाइना के एक दक्षिण पर्वत में रहता था. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ मैजिकल पोशंस एंड चार्म्स. वह बहुत एक्सपर्ट था और जादुई औषधि और चार्म्स को करने में. वन डे अ यंग वूमेन जून केम टू हिम स्पीकिंग हेल्प. एक दिन वहाँ पर एक यंग वूमेन आई जिसका नाम जून था और हेल्प के लिए आई थी. सी अपीयर टू बी इन डीप डिस्ट्रेस. वह बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में थी. विदाउट ओपनिंग हिज आइज, आँखें खोले ही बिना, द हर्मिट केम टू नो. हर्मिट समझ गया, जान गया जोन्स को. एंट्रेंस इनसाइड इन चैम्बर. जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया. ही आस्क्ड हर इन अ ग्रिम वॉइस. उसने गंभीर आवाज में बोला, व्हाट ब्रिंग्स यू, तुम यहाँ क्या लाई हो. सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ओ सेज डिवाइन, हे महात्मा, आई एम जून, मैं जून हूँ, एंड द रीजन विच ब्रिंग्स मी हियर इज माई ग्रीफ. और मेरा कारण है और मैं जो यहाँ लाई हूँ. प्लीज़ मेक मी अ पोशन ऑफ रेमेडी. मुझे एक ऐसी रेमेडी दीजिए, ऐसा एक उपचार दीजिए, जादू नुस्खा दीजिए. द हर्मिट वॉज क्वाइट, हर्मिट शांत था, महात्मा शांत था. बट ही लुक्ड एट जून, लेकिन वह जून को देख रहा था. विद हाफ ओपन आइज, आधी खुली आंखों से. जून रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन. जून बार बार उससे रिक्वेस्ट करती जा रही थी. एट लास्ट ही गेव इन टू हर प्लीज. ही रेज्ड हिज डीड एंड आस्क्ड, वेल व्हाट इज योर प्रॉब्लम. और उसने अपनी आंखों को खोला और पूछा, वेल मतलब व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या समस्या है. वेल सेज, इट इज माई हस्बैंड हु इज वेरी डियर टू अवर फैमिली. यह मेरे हस्बैंड हैं और बहुत ही फैमिली के प्रिय हैं. फॉर द पास्ट 6-7 years ही हैड बीन फाइटिंग अ वॉर ऑन द बैटल फ्रंट. नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न्ड, ही हैज़ स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद अस. इफ आई ट्राई टू टॉक, ही आंसर्स रफली. व्हेन आई गिव हिम फूड, ही टर्न्स हिज हेड अवे. मेरे हस्बैंड हैं जो कि फैमिली के बहुत प्रिय हैं. लगभग 6-7 सालों से उन्होंने, जब से ये युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, फाइटिंग ऑफ वॉर ऑन द बैटल फ्रंट, नाउ दैट ही वॉज, उन्होंने वह वापस भी नहीं हैं और ना ही वो अब बात करते हैं. उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया हम लोगों से. इफ़ आई ट्राई टू टॉक, यदि मैं उनसे बात करना करती हूँ, ही आंसर्स रफली. वह बहुत ही रफली उत्तर देते हैं, रूडली उत्तर देते हैं. व्हेन आई गिव, जब मैं उनको भोजन के लिए पूछती हूँ, ही टर्न्स हिज हेड. वह अपना सर हिला देते हैं, दूर से ही सर हिला देते हैं. एट होम आई हैव सीन हिम आइडलिंग अवे, एंड ऑन द फील्ड ही लुक्स वैकेंटली टूवर्ड्स द सी. ही हैज़ विदड्रॉन कम्प्लीटली एंड नाउ इवन द चिल्ड्रेन आर स्केयर्ड ऑफ हिम. इट इज़ सो समटाइम्स व्हेन यंग मैन रिटर्न आफ्टर लॉन्ग टाइम स्पेंट एट वॉर. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब लोग युद्ध से वापस आते हैं, वहाँ पर समय अपना वेस्ट करके आते हैं, दे टेक सम टाइम टू गेट बैक और नॉर्मली. उन्हें कुछ समय चाहिए होता है नॉर्मल होने के लिए, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, यानी महात्मा ने कहा. बट गो ऑन से, लेकिन व्हाट डू यू वांट ऑफ मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं. इफ़ योर नॉलेज हैज़ द कैपेसिटी ऑफ मेक अ पोशन विच कैन मेक माई हस्बैंड लविंग एंड केयरिंग एज ही वॉज बिफोर, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, सेड जून विद ज्वाइंट पाम्स.
यदि आपके नॉलेज में है और आपकी कैपेसिटी है कि आप ऐसी कोई रेमेडी बना दीजिए, ऐसी कोई औषधि बना दीजिए जिससे कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले की तरीके से लविंग और केयरिंग हो जाएं, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, और वो अपनी दयालुता को ना भूलें कभी, सेड जून। जून ने कहा विथ ज्वाइंट अ पाम्स, हाथ जोड़कर। अ पोशन वेरी वेल कम बैक इन टू डेज एंड आई शैल टेल यू What can be done? Said the hermit. ये जो औषधि है बहुत अच्छी है, Come back into 2 days, वह 2 दिनों में वापस आ जाएगा, And I shall tell you, और मैं आपसे कहूँगा What can be done? यह कैसा रहा? Said the hermit. Hermit ने कहा 2 days later, when June returned to the mountain, 2 दिन के बाद में जब जून वापस आई to the mountain, यानी कि पहाड़ियों में, home to the hermit, hermit के घर, the sage said, उसने कहा I have studied your husband, मैंने तुम्हारे पति के बारे में अध्ययन किया है, केस के बारे में अध्ययन किया है, एंड अ पोशन, और जो औषधि कैन बी मेड टू सेट हिम राइट, उसको उसके लिए मैंने बनाई जा सकती है औषधि, बट वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस पोशन इज अ लिविंग टाइगर्स विस्कर, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो टाइगर की मूंछ में होता है, ऐसी औषधि या रेमेडी, ब्रिंग द विस्कर, उस विस्कर को तुम ले आओ, एंड देन द पोशन विल बी मेड इन नो टाइम, और उसमें समय नहीं लगेगा उसको बनाने में, तब हम बना लेंगे। द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर, एक टाइगर जो कि जिसकी मूंछ है। द हर्मिट वॉज आस्किंग हर टू डू एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, हर्मिट उससे कहता है क्या इस इम्पॉसिबल टास्क को आप कर पाओगे। जून रिक्वायर्ड विद फियर एट द प्रॉस्पेक्ट, जून ने दोबारा उत्तर दिया और घबराते हुए उसने प्रॉस्पेक्ट किया। इफ द पोशन इज इम्पॉर्टेंट टू यू, तुम्हारे लिए पोशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, द टास्क ऑफ गेटिंग द विस्कर वॉन्ट बी डिफिकल्ट, यह टास्क प्राप्त करने में तुमको बहुत ही समस्या आएगी यदि तुम नहीं चाहती, यू विल श्योरली सक्सीड, तुम बहुत ही सफलता से इसको कर लोगी, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। नाउ यू मस्ट गो एंड फिनिश योर टास्क, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जाना चाहिए और अपने टास्क को फिनिश करना चाहिए। दस ही बेट जून टू लीव, और जून वहाँ से चली जाती है। जून हैड ओनली वन थॉट इन हर माइंड नाउ, जून के माइंड में बस यही सोच थी कि कैसे टू गेट अ टाइगर विस्कर, की कैसे वह टाइगर की मुझको लाएगी। वन नाइट सी मस्टर्ड हर करेज एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द हाउस, सी वॉन्ट टू अ माउंटेन साइड विच वॉज सपोज टू द टाइगर्स अबोड, देयर सी वॉन्ट नियर टाइगर्स केव एंड हेल्ड आउट सम मीट एंड राइस, वह वहाँ पे माउंटेन से वहाँ माउंटेन के साइड में जाती है, विच वॉज सपोज, वह सपोज करती है कि टाइगर्स अडोब बहुत ही गुस्से में होगा, देयर सी वेंट नियर टाइगर, वह टाइगर के गुफा के पास में जाती है, सम मीट एंड राइस, और कुछ चावल और मीट लेकर। सी रिपीटेडली कॉल्ड बट द टाइगर डिड नॉट कम आउट, वह बार बार उसको बुलाती है लेकिन टाइगर बाहर नहीं आता है। जून केम बैक टायर्डली, जून बहुत ही थक जाती है। द नेक्स्ट नाइट सी वेंट अगेन, दूसरी रात वह दोबारा चली गई, दिस टाइम उसी टाइम में, सी वॉज अ फ्यू स्टेप्स क्लोजर टू द डेन, वो जैसे ही उसने कुछ स्टेप्स लिए थे केव के, द टाइगर हैड बिकम फैमिलियर विथ हर सॉफ्ट वॉइस, टाइगर फैमिलियर था और बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में उसने रिप्लाई किया। ही पीप्ड आउट ऑफ द केव बट डिड नॉट स्टेप आउट इन स्पाइट ऑफ द मीट सी ऑफर्ड, उसने उसके दिए हुए मीट को या चावल को ऑफर को नहीं लिया, टेक नहीं किया जो कि इसने ऑफर किया था, यानी जून ने ऑफर किया था। ईच नाइट जून केम क्लोजर एंड क्लोजर टू द डेन, प्रत्येक नाइट जून और भी क्लोज होती जा रही थी उस डेन के। एंड द टाइगर गॉट एक्यूमिस्टेड टू हर कॉल, इवेंचुअली वन नाइट द टाइगर स्टेप्ड आउट द के एंड केम टू जून, ही एट द मीट एंड राइस ऑफर्ड बाय जून, हु स्पोक सॉफ्टली एंड इन सूदिंग टोन्स टू हिम, दिस बिगेन टू टेक प्लेस इस नाइट। इवेंचुअली वन नाइट, एक नाइट को टाइगर जब स्टेप और बाहर आया जून के कहने पर, ही एट द मीट, वह मीट को खा रहा था, एंड राइस ऑफर्ड, यानी उसकी तरफ से ऑफर्ड किया गया जून द्वारा, हु स्पोक सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली उत्तर दिया इन सूदिंग टोन्स में,
दिस बिगेन टू टेक प्लेस ईच नाइट. तुम यहाँ पर प्रत्येक नाइट आ सकती हो या आ जाया करो. टू मंथ्स लेटर जून वॉज एबल टू रन हर हैंड जेंटली ऑन द फॉरहेड ऑफ द टाइगर. दो महीने के बाद में जून बहुत ही योग्य हो गई थी. रन हर उसके साथ में दौड़ती थी, उसको हाथों से सहलाती थी, उसके माथों पर सहलाती थी टाइगर के. देन वन नाइट सी अस्टली सेड, ओ जनरस टाइगर, वुड यू पार्ट विद अ व्हिस्कर फॉर मी, प्लीज डू नॉट फ्यूरियस. द वाइल्ड एनिमल स्टूड स्टिल वाइल जून पुल्ड आउट अ व्हिस्कर. बाय नाउ द टाइगर न्यू हर वेल, सो ही लेट हर डू सो विद द Tightly clutched whisker in her fist, Jun ran fast to the hermit like a deer among the bushes. एक दिन जून ने उसको इसी तरीके से जून उसके साथ में खेलती और दौड़ती. एक दिन उसने क्या किया कि उसने टाइगर के से एक whisker निकाल ली और जून बहुत ही तेज़ी से जून रैन फास्ट टू द हर्मिट. जून बहुत ही तेज़ी से दौड़ी और जैसे कि एक डियर हिरन भागती है दौड़ती है. सी फ्लू ओवर द रॉकी पाथ लाइक अ हॉक एंड विद इन नो टाइम. जबकि वह इस तरीके से चल रही थी जबकि रॉकी पाथ था यानी कि ककड़ीला पाथ था और उसको समय नहीं लगा. सी वॉज एट द हर्मिट जो डोर और वह वहाँ पर हर्मिट के डोर के तक पहुंच जाती थी. ओ हर्मिट, हे हर्मिट, हे महात्मा, आप देखिए, आई हैव फाइनली ऑब्टेंडेड, मैं इसको फाइनली ले आई, द टाइगर्स विस्कर, टाइगर की मुझ को. नाउ यू कैन मेक योर मैजिक पोशन टू क्योर माई हस्बैंड डिसेस्टमेंट. अब आप मेरे हस्बैंड के लिए एक मैजिक पोशन बना दीजिए. जून क्राइड, जून बहुत क्राइड, जो चिल्लाई. डिटर्मिनेशन कैन मेक इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल, उसने दृढ़ निश्चय करके ये बहुत ही इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर सका. थॉट द हर्मिट, हर्मिट की सोच से ही पिक्ड अप द विस्कर, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड देन ही वेंट टू द फायर एंड ड्रॉप्ड इट इन. और उसने उसको पिक किया मुझको और उसको देखते बहुत ही केयरफुली देखा. एंड देन ही वेंट, और वो वहाँ से चला गया. द फायर एंड ड्रॉप्ड इट इन, और उसको ड्रॉप करके फायर में डाल दिया. द विस्कर टर्न टू एसेस, और जो उसकी मूछ की जो राख थी, द वूमेन लुक्ड एट हिम अगस्ट, वूमेन को दिखाया. विथ आईज वाइड ओपन एंड अग्यूंस ऑन हर फेस सी सेड, ओ सर व्हाई हैव यू डन दिस, यह आपने क्या किया, क्यों किया, टेल मी हाउ यू सक्सीडेड टू ऑबटेन दिस विस्कर, द हर्मिट कमांडेड. मुझे बताइए हाउ यू, आपने ये कैसे किया, सफलता से कैसे किया टू ऑबटेन हिज विस्कर, उस विस्कर को. ओ सर व्हाई हैव यू डन दिस, टेल मी हाउ यू सक्सीडेड टू ऑबटेन दिस विस्कर, द हर्मिट कमांडेड. सॉबिंग बिटरली जून नरेटेड हर टेल, आई वेंट टू द डेंस माउंटेन साइड रिस्किंग एवरीथिंग फॉर अ विस्कर, देर आई फाउंड अ फायर्स टाइगर, आई वुड गो टू इट एवरी डे होल्डिंग बाउल ऑफ राइस एंड मीट, आई गेन कॉन्फिडेंस एंड बी फ्रेंडेड इट वेन इट केम क्लोज टू मी, क्रेज्ड इट. आफ्टर टू मंथ्स ऑफ दिस द टाइगर डिड नॉट माइंड माई टेकिंग अ विस्कर बिकॉज हैड ऑलमोस्ट टेम्ड इन इट through my affection and gentle behavior. All this was achieved not without difficulty and risk, but all is in vain now. Hey, Sriman, ye kyun nahi kar sakte? Tell me how you succeeded to obtain this whisker. Mujhe bataiye, tumne ye kaise kiya? Uski mooch kaise lai? Kaise prapt ki? Hermit commander. Hermit ne ye kaha. Tab Jun ne bataya कि मैंने प्रतिदिन उसको बाउल में राइस और मीट दिया और मैंने उसका विश्वास जीता और मैं उससे फ्रेंडली रही. जब इट केम क्लोज टू मी, जब वो मेरे पास आता, मुझे कैरेज्ड इट. आफ्टर टू मंथ्स, दो महीने के बाद में, द टाइगर डिड नॉट माइंड, वह माइंड नहीं करता था माई टेकिंग विस्कर, मेरी जब मैं उसकी मूछ लेती थी, विस्कर लेती थी, वो माइंड नहीं करता था. बिकॉज I had almost tamed it through my affection. वह मेरे प्रभाव से प्रभावित था, मेरे जेंटल बिहेवियर से. All this was achieved not without difficulty and risk.
और मैंने वो अचीव किया जो कि डिफिकल्टी और रिस्क के बिना मैंने अचीव किया. बट ऑल इज इन वेन नाउ, यू हैव रूइंड माई इंटायर एफर्ट. एंड जून बस्ट इन टू टीयर्स अगेन. जून दोबारा फूट फूट कर रोने लग गई. मैम द हर्मिट हियर्ड हर आउट देन जेंटली सेड नो नो आई हैव नॉट रूइंड एनीथिंग. द विस्कर इज नो लॉन्गर नीडेड नेदर इज द पोशन. आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. इज अ ह्यूमन बींग मोर फायर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल देन अ वाइल्ड एनिमल. हर्मिट ने सुना और देन जेंटली सेड उसने कहा नो नो नहीं नहीं मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है. द विस्कर इज नो लॉन्गर नीडेड इसकी जरूरत नहीं है तुमको. नीदर इज द पोशन इस औषधि की जरूरत नहीं. आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. इज अ ह्यूमन बींग मोर फायर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल देन अ वाइल्ड एनिमल. इफ अ वाइल्ड टाइगर यदि जंगली जानवर है रिस्पॉन्सिव टू जेंटल बिहेवियर अगर उसका बिहेवियर जेंटल है यानी अच्छा है. डू यू थिंक अ ह्यूमन क्या ह्यूमन सोच सकते हैं विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड जवाबदेही के लिए जो जिसको जवाब देना होगा. इफ यू कुड विन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस यदि तुमने टाइगर के विश्वास को जीत सका. आई एम श्योर यू कुड मैं बिल्कुल श्योर हूँ. कुड सर्टेनली डू द सेम विथ यू योर हस्बैंड इसी तरीके से तुम अपने हस्बैंड को के साथ भी कर सकती हो. द मैजिक इन द जेंटलनेस अपनी जेंटलनेस से ये मैजिक तुम खुद कर सकती हो. जून वॉज स्ट्रक डम विथ अमेजमेंट बट देयर वॉज इन लाइन विश्वास जगा और हर्मिट की बातों को ध्यान में रखते हुए वह घर वापस चली गई. सी हैड जस्ट अंडरस्टूड दैट द मैजिक पोशन वॉज ऑलवेज विद इन हर. वह समझ गई थी कि मैजिक पोशन यानी जादुई औषधि उसके अंदर ही है हमेशा थी. एंड सी टू का डिसीजन और उसने एक डिसीजन लिया टू पुट इट टू यूज इन हर लाइफ. वह अपने जीवन में भी इसको करेगी. उसने यह डिसीजन लिया. स्टूडेंट इस कहानी से आपको जरूर प्रभावित हुए होंगे. इस कहानी में हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने अंदर मन में ही देखना चाहिए कि प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए. किसी जादुई चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. इसलिए स्टूडेंट ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी. इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी. तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.